पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। इस साल मुंबई में शिवसेना की दो दशहरा रैली होने जा रही है। आपको बता दें कि दोनों की गुट खुद को असली शिवसेना बता रही है। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे दशहरा रैली में संबोधन करेंगे, तो वहीं BKC मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असली शिवसेना को लेकर चल रही लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से दोहराया है कि हम ही असली शिवसेना है, आंकड़े हमारे पास है और हम ही बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने वाले हैं। शिंदे ने कहा कि आयोजन जिस भी मैदान में हो रहा है या जिस भी मैदान में हो, असल में विचार महत्वपूर्ण है और हम लोग बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भूमिका को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। उद्धव गुट पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि हम कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। लोग बराबर आएंगे, उनको पता है कि ये काम करने वाले लोग हैं और जो विचार ये बोलते हैं वही करते हैं। हमारी भूमिका स्पष्ट है, इस राज्य और इस राज्य के सर्वमान्य लोगों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने दावा किया है कि लोगों को विश्वास है, इसीलिए राज्य क्या देश से आगे आकर उनसे जुड़ रहे हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे समूह को एक और बड़ा झटका दिया है। पूर्व मंत्री और वर्ली विधानसभा सीट से विधायक आदित्य ठाकरे के क्षेत्र के 100 शिवसेना नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। एक तरफ शिवसेना की ओर से दशहरा रैली की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हाईकोर्ट से उसने परमिशन हासिल कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के टूटने से उसे करारा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे ग्रुप पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी ओर से जो दशहरा रैली की जानी है वह चोरों की सभा है। सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में शिवसेना ने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पार्टी पर दावे को लेकर कहा कि ये BJP की साजिश है। शिवसेना ने कहा है कि खुद को पार्टी का दावेदार बताने के पीछे एकनाथ शिंदे का दिमाग नहीं है। इसके अलावा शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो अलग पार्टी बनाकर दिखाओ। उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि ईडी के डर से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़कर BJP के साथ जाने का फैसला लिया है। बता दें कि BMC की ओर से शिवसेना को शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत नहीं मिल रही थी। इस पर शिवसेना ने हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी और एकनाथ शिंदे ने भी अदालत का रुख किया था। यहां कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला दिया और BMC को आदेश दिया कि नियमों के मुताबिक उन्हें रैली करने की इजाजत दी जाए। रविवार को शिवसेना के 100 कार्यकर्ताओं के अलावा एकनाथ शिंदे गुट ने शरद पवार की पार्टी NCP और राज ठाकरे की MNS के लोगों को तोड़ने का भी दावा किया। शिंदे गुट के नेताओं ने कहा कि तीनों दलों को मिलाकर कुल 1000 नेताओं ने उनके साथ आने का फैसला लिया है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच अपने आप को असली शिवसेना करने की जो लड़ाई है वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते दोनों तरफ रैलियां हो रही है। अब इस रैलियों में क्या अपने आप को असली शिवसेना साबित कर पाएंगी? दोनों की तरफ से जिस तरह से ये कोशिश हो रही है, इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। सीधे सीधे सवाल मेरा आपसे है प्रदीप जी, क्योंकि सीधे आरोप लग रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश रची जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, एकनाथ शिंदे का तो हाथ इसमें है ही नहीं, और अब शिवसेना कह रही है एक तो चोरों की सभा हो रही है, ये शिंदे गुट की सभा नहीं, ये चोरों की सभा हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद नेहा जी, आपको दुर्गाष्टमी और बाकी मित्रों को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भवानी सबके जीवन को सुखमय बनाए। अब हम प्रारंभ करते हैं चर्चा। देखिए क्या है कि शिवसेना जिस दिन से अपने विचारों को त्याग कर कुछ वर्ष पहले जब वो
ऐसी शक्तियों के साथ मिलकर के सरकार बनाए जो कि शिवसेना के विचारधारा के आधार में कहीं आते ही नहीं। तो ये सारी बातें तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। और देखिए, जब विचारधारा वाली पार्टी होती है और उसको जो वोट मिलता है वो विचारधारा के नाम पे मिलता है, ना कि किसी एक चेहरे के नाम पे मिलता है। तो जो ओरिजिनल शिवसेना है वो अपना काम कर रही है। और इस तरह की देखिए, न्यायालय में दो फैसले आए, आज आपने जिक्र किया कि ग्राउंड वाला जो आया है जहां पे उनको करने दिया जाए, और दूसरा आया था चुनाव चिन्ह को लेकर के। तो देखिए, ये जो जनसभाएं होंगी इसमें अपने आप आपको पता लग जाएगा कि असली और नकली का भेद क्या है। ये अपने आप में स्वयं में मापक होगा, ज्यादा समय नहीं है, होने दीजिए। और अभी आपने बताया, देखिए वर्ली बड़ी प्राइम सीट है वहाँ की, शिवसेना की प्राइम लोकेशन की सीट है, वहाँ के कार्यकर्ता छोड़ करके शिंदे जी के साथ जा रहे हैं। तो क्या उन सभी को भाजपा ने प्रेरित किया जाने के लिए, या घर घर जाकर के हमने अभियान चलाया कि नहीं आप इनको छोड़ के उनको चले जाइए? ऐसे कोई अगर सबूत हो तो बताइए, फिर देखा जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आरोप लगाना ठाकरे गुट है शिवसेना का, उनकी जो है उनके पास सिवाय आरोप लगाने के कुछ बचा नहीं है। ठीक है, सिवाय आरोप लगाने के संजय जी आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है क्या? चोरों की सभा कह देते हैं, अभी कह रहे हैं कि जो वर्ली विधानसभा से जो 100 कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए, वो भी भाजपा ने रच दिया क्या पूरा षड्यंत्र? तो अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दूं, जब एनसीपी से समर्थन लेके 2014 में सरकार बनाई थी और 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री एनसीपी को लेके बने थे, या कांग्रेस के विधायक छोड़ के सरकार बनाते हैं, या पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, माननीय मायावती के साथ सरकार बनाते हैं, जेडीयू के साथ सरकार बनाते हैं, तो ये सब इनका जो इतनी बड़ी बातें जो कर रहे थे कहाँ चला जाता है? अगर हमने कांग्रेस मिलकर सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो क्या चुनाव चुनाव करवाए जाते? हमारा जो चुनाव जो एनसीपी जो अभी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने स्पष्ट एक बात कही है और मीडिया में भी आई है कि सब शिंदे जी हमारे पास आए थे कि कांग्रेस समर्थन देते हैं सरकार बना ले। तो ये जो बातें निकल के आ रही है, नहीं नहीं आप मुद्दे पे आ रही है ना, आप इधर उधर की बात करते हैं। नहीं, आप संजय जी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी प्रदीप जी कह रहे हैं कि वर्ली विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां से आदित्य ठाकरे जीतते आए हैं। अब सवाल ये है कि वहां पे भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच दिया? नेहा जी सुन लीजिए, देखिए शिवसेना किसी को आप बता के ज्वाइन करा दीजिए, कोई जरूरत ना शिवसेना का सदस्य था, ऐसा नहीं है। शिवसेना सदस्य बना के आप उसे ज्वाइन करा दीजिए। और बाकी इच्छा है, बाकी को जो आज भारतीय वर्ष में जो जिस पार्टी के साथ रहना चाहे, मतलब उद्धव गुट में, अब उद्धव गुट में वो दम नजर नहीं आ रहा क्या कार्यकर्ताओं को? अब पूरी बात सुन लीजिए ना, असली नकली की बात आप कर रही हैं। असली नकली कैसे आप बात कर सकती हैं? 2023 तक चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को राष्ट्रीय प्रमुख का दर्जा शिवसेना पार्टी से दिया है। चुनाव आयोग का जो नियम होता है, चुनाव का जो संविधान है, उसके अनुसार पार्टी डिफ्लेक्ट नहीं हुई है। एक पूरा एक चीज डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, वो पार्टी में विधायक गए हैं और सांसद गए हैं। तो सांसद विधायक तो हम इनको ये भी फॉर्म देते हैं, अगर वो चले गए हैं तो उससे पार्टियां हमारा ना खत्म होती हैं। अब इन्होंने मतभेद में थोड़ी करेंगे, ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा ना कि पार्टी पार्टी किसकी है, चुनाव चिन्ह किसका है, ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि निर्वाचन आयोग तय करेगा। मैं उसी बारे में बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप पूछिए सवाल। नहीं नहीं, आप अगर आप बता रहे हैं तो ये बता दीजिए ना मुझे, निर्वाचन आयोग ने आप लोगों से क्या क्या मांगा है, क्या डॉक्यूमेंट मांगा बता दीजिए। नहीं नहीं, निर्वाचन आयोग ने क्या निर्णय दे दिया अपना? नहीं, डॉक्यूमेंट क्या मांगे सर वो बताइए। संविधान एक होता है, अब सुन तो लिए, संविधान होता है उसमें पूरा लिखा हुआ होता है। आप संविधान पढ़ के देख लीजिए किसी पार्टी का संविधान। सर आपके कितने सांसद हैं जो उद्धव गुट में, कितने सांसद आपके साथ हैं? मैंने क्या कहा, सांसद आपके कितने विधायक हैं, कितने विधायक आपके साथ हैं? अरे नेहा जी आप बात सुन लीजिए ना, विधायकों सांसदों के जाने से पार्टी नहीं टूटती, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। तो किसके जाने से टूटती है? पार्टी नहीं टूटती है, पूरा एक चुनाव आयोग का पूरा नियम होता है। क्या नियम होता है सर बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ, हमारे हाँ। जैसे कार्यकारिणी है हाँ। कार्यकारिणी फैसला लेती है, कार्यकारिणी से 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है। कितने कार्यकर्ता आपके साथ हैं?
अरे हमारे दल तो पूरे कार्यकर्ता है, आप देखिए पूरे जा कौन रहा है, ये जा कौन रहा है आपकी पार्टी से? अरे ये जब जो बना हुआ खेल दिखा रहे हैं सर, अभी ये सिखाने के लिए आज आदित्य ठाकरे जी जिलों जिलों में जा रहे हैं, आप देखिए शिवसैनिक कितनी भीड़ हो रही है और जनता कितना निकल के आ रही है उनकी रैलियों में, तो क्या हम भीड़ नहीं बुला रहे हैं क्या? एक सभा करके दिखा दें, अब दशहरा मेला होने जा रहा, देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं ये चोरों की सभा है, ये चोरों की सभा हो रही है, वो चोरों की सभा में लोग जा रहे हैं, चोरों की सभा नहीं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं लोग आपको छोड़ छोड़ कर, गद्दारों की सभा, गद्दारों की, ये गद्दारों की सजा है, गद्दारों की सभा, आप तय करेंगे क्या? चोरों की सभा, गद्दारों की सभा है ये। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए। सर्वेश्वर जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ मैं। प्रदीप जी, गद्दारों की ने सिर्फ चोरों की ने, गद्दारों की भी ये सभा है? नेहा जी, इससे ज्यादा की अपेक्षा क्या की जा सकती है? जब आप परिवारवाद राजनीति में, परिवारवाद जब सर चढ़ के बोलने लगता है तो इस तरह के वक्तव्य आने कोई नई बात नहीं है। ये एक उस झुंझलाहट का प्रत्युत्तर है जो कि जमीन खिसकती देखने के बाद व्यक्ति की मनस्थिति से में उपजता है। अब वो जो बता रहे थे द्विवेदी जी कि जिले जिले जा रहे हैं, तो ये जो है अपने विचार को त्याग करके अगर जिले जिले जाकर के पूछे होते तो आज शायद ये दुर्दशा ना होती। ये राजनीतिक का क्या कहा जाए, शिवसेना एक कार्डर बेस्ड पार्टी रही है, एक विचारधारा से लोग उसको मत देते रहे हैं और उसी से उनका जो है उनका पनपना, उनका बड़ा होना हुआ है और आज यह स्थिति आ गई कि ये इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। न्याय जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन अपशब्दों पे कोई जो है बचा मेरे लिए कि मैं इन पे कोई कमेंट करूं। ये समय मापक होता है, जनता मापक होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जनता मापक होती है। चुनाव होते हैं, एक पार्टी या एक विचारधारा अपने वादों पे नहीं खरी उतरती, अगले चुनाव में उसका क्या होता है। विचारधारा की बात कर रहे हैं शिंदे, तो कह रहे हैं कि हम उस विचारधारा को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हम लेके जाएंगे उस विचारधारा को आगे, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को। नहीं असली देखिए क्या है, बाला साहब की विचारधारा किस बात पे उन्होंने खड़ी थी, पार्टी की थी, उन्होंने कहा था कि कभी भी सोनिया गांधी के पास नहीं जाएंगे, कभी सोनिया गांधी जी से गठबंधन नहीं करेंगे, पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए उनके प्रति उत्तर कैसे रहे। बाला साहब किस प्रकार से देखिए, वो सभी का सम्मान करते थे, उनकी तलखी में भी एक विनम्रता रहती थी कि वो शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रख करके बात करते थे। लेकिन आज देखिए उनके सुपुत्र, उनके सुपौत्र जो है किसके साथ मिले हुए हैं, अब उसे मिलने के बाद पार्टी की क्या गति होगी, आज बाला साहब की आत्मा अगर ये सब देख रही होगी तो उनके हृदय पे क्या चल रहा होगा, ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये देखिए मैं सीधे से कह रहा हूँ, देखिए अगर शिंदे साहब जो है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका स्थान खत्म हो जाएगा ना, इनके जाने के बाद जो वैक्यूम बनेगा या जो रिक्त बनेगा या जीरो बनेगा उससे असली शिवसेना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, वर्ली विधानसभा से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और इतनी खास सीट है वो, वहां से छोड़ के जा रहे हैं, इससे पहले कई विधायक छोड़ के चले गए, सांसद छोड़ के चले गए, कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, पूर्व विधायक छोड़ के चले गए, ये तो कह रहे हैं कि चोरों की सभा है, गद्दारों की सभा है, क्यों पसंद आ रही है इतनी गद्दारों की सभा? नेहा जी देखिए, अगर आप पूर्व ये जो लोग खाते हैं, लोग कहते हैं अंगूर खाते हैं, इन्हें सच्चाई स्वीकार नहीं हो रही है। देखिए जिस पार्टी का निर्माण और गठन एक विचारधारा के तहत किया गया और उसके जो सुप्रीमो थे हृदय सम्राट जिन्हें बोला जाता था बाला साहब ठाकरे जी, जिस विचारधारा को लेके चले तो वो गांव गांव तक उनकी जो शाखा थी उससे लोग जुड़ हुए थे, शिवसैनिक एक प्राइड का एक मतलब अपने आप में गर्व महसूस करते थे। लेकिन जब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उस विचारधारा को तिलांजलि दे दी, ठीक है आप अपने आप में बदल सकते हैं, लेकिन वो जो गांव गांव शहर शहर में जो सैनिक था वो अपने को कहीं ठगा महसूस करने लगा कि मेरी विचारधारा थी वो तो कुछ और थी जिससे मैं पार्टी से जुड़ा था। अब अगर पार्टी के मुखिया ने अपना रंग बदल दिया, अपना पाला बदल दिया, तो मैं क्यों बदलूं? अगर शिंदे ग्रुप कह रहा है बाला साहब की बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई थी और ये विचारधारा ही है जो
खंड खंड कर गई शिवसेना को, कह रहे विचारधारा की पार्टी थी, आप लोगों ने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, आज आप कहते जी ये तो गद्दारों की पार्टी है या ये तो चोरों की सभा हो रही है, तो गद्दारों की सभा हो रही है। सर वो चोर और गद्दार थोड़े दिन पहले तक तो आपको अच्छे लगते थे, आपके साथ थे, आज आपको चोर लगने लगे, गद्दार लगने लगे, विचारधारा के साथ समझौता आप लोगों ने किया। मौका दीजिए, मुझे बोलने मौका दीजिए। नेहा जी, जब 2019 में बीजेपी सरकार बनाने का मना कर दिया, तो जब मीटिंग हो रही थी तो वहां सिंधे भी थे, 40 विधायक भी थे वहां पे। अगर इनको इतना दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था कि सर कांग्रेस एनसीपी साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो उस समय उनको छोड़ दीजिए शिवसेना। लेकिन 2.5 साल तक उन 2.5 साल बाद उनको याद आ रहा, ये इसलिए याद नहीं आया, ये 50 खोके एकदम ओके, ईडी सीबीआई आईटी जो इनके पीछे पड़ी हुई थी, इन्होंने सोचा कि जेल ना जाए। अब माने संजय राउत जी आज जेल में है, आज ये लोग कहते जेल में है, क्यों जेल में है? उन्होंने संगठन की विचारधारा को जो अपनाई है वो अपनाई है, गद्दारी नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए, 50 खोके एकदम ओके तो विधानसभा में भी नारा लगा, आज फिर ये कह रहे 50 खोके एकदम ओके। और दूसरी बात ये कि ईडी सीबीआई के डर से आपने शिवसेना को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। नेहा जी देखिए, ईडी सीबीआई के डर से तोड़ने में जो आरोप लगाया तो उसमें मैं जवाब दे देता हूँ, हालांकि मैं ना ईडी ना मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पहली बात। और भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता है ना सर? नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ईडी सीबीआई से लेना है तो उनकी वो संवैधानिक संस्थाएं हैं और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आपको अगर प्रश्न है तो उनसे, उनके प्रवक्ता या उनके पीआरओ होते हैं, उनसे जा करके या द्विवेदी जी जाके उनसे अपने इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन आरोपों को सिरे से नकारता हूँ, क्या परिस्थितियां थी इस पर अगर चर्चा की जाए तो थोड़ी सी जो है बात समझ में आएगी। यहाँ जो शिवसेना जो ये बार बार जो झुझलाहट दिखा रही है, सीधे से बात एक ये सीधे से समझने की है कि आधार खिसक चुका है इनका। आप हमें ये 50 खोखे और इस तरह के देखिए जुमले रचना और उस पर करके रखना, कांग्रेस के साथ इनके गठबंधन रहे हैं तो वो लोग बड़े अच्छे रहे इस मामले में, उनको पता है कहाँ से जनता की कमाई का पैसा गाड़ा जा सकता है। अब जब उनको दिखता हुआ अवसर नहीं मिला, उस कारण से झुंझलाहट तो होना लाजमी है। अब बताइए क्या अच्छा किया इन लोगों ने उनके साथ और क्या क्या स्थितियां रही। 1.5 साल तक तो मान लीजिए कोरोना का कहर ही रहा वहां पे, लेकिन उसके बाद प्रदेश के लिए क्या अच्छा किया? ठीक है पाठक जी बताइए, निर्णय लिए पाठक जी, क्या वर्चस्व खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आप उद्धव ठाकरे का? मैं दो बातें कह रहा हूँ, दो बातें नेहा जी, मैं आती हूँ, मैं एक सेकंड पाठक जी बोल रहा हूँ, उसके बाद पाठक जी प्रदीप जी जरा मुझे बोलने दीजिए। पाठक जी बोलिए बोलिए, वर्चस्व की ही लड़ाई है यहाँ पे। आप देखिए जिस तरीके से इससे बहुत पहले जो शिवसेना के युवा ग्रुप के जो लीडर थे वो भी छोड़ के सिंधे ग्रुप में शामिल हुए, आज जो आदित्य ठाकरे पार्टी के मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट कहिए उद्धव ठाकरे जी के, चाहे आप कहिए या जो भी कहिए, वो उनके क्षेत्र के अगर लोग सिंधे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं तो ये तो वर्चस्व ही उनकी हिलती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे जी की। और फिर वो अभी आपने देखा पोस्टर वार भी चल रहा है कि 5 अक्टूबर को जो दशहरा रैली ग्राउंड में होने वाले हैं उद्धव जी का फंक्शन, उसके लिए कितने पोस्टर वार चल रहे हैं। क्योंकि मेरा ये कहना है उद्धव जी को सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, सच्चाई को उनको आंकलन करना चाहिए, और अगर सचमुच अपनी पार्टी को बचाना है तो उसको जी तरह से मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, डूबती नाव में कोई नहीं रहना चाहता संजय जी, डूबती नाव में कोई नहीं रहना चाहता, और यही वजह है कि आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे लोग। मैं अभी 10 सेकंड मांग रहा हूँ, मैं रखती हूँ पाठक जी, संग में है, अब मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, आप मैं बता दूं। आज क्रीड सुमैया जी से लेकर के जितने नेता थे वो इन लोगों भावना का ऑफिस लेकर सब पे आरोप लगा रहे थे कि गिरफ्तारी की जाए। तो जो ये ईडी के और सीबीआई के जो आरोप लगे हुए हैं 25 विधायकों के ऊपर और सांसदों के ऊपर, क्या वो वापस हो गए हैं? तो कार्रवाई सुनाई नहीं पड़ रही है। और एक जो मंत्री जिसके खिलाफ ये लोग धरना दिए थे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिसको माननीय उद्धव ठाकरे ने निकाल दिया था किसी लड़की के उस हत्या केस में, उसको उन्होंने मंत्री बना दिया। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, जो जाता जो इनके यहाँ जाता है ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई उसको छोड़िए, ये बताइए मुझे कि निर्वाचन आयोग ने आप लोगों से क्या डॉक्यूमेंट मांगे, किस आधार पे वो बताएंगे क्या ये असली शिवसेना है या ये असली शिवसेना नहीं है? उन्होंने क्या मांगा है कार्यकर्ताओं से, कितना आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है?
और विधायकों का कितना सपोर्ट है। जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने फिर आपसे बता दूं मैं आपको, आप एक चुनाव का पढ़ लीजिए संविधान एक बार, आप सब चुनाव संविधान पढ़ लीजिए। आप लोगों से डॉक्यूमेंट क्या मांगे तो सर, मैं बार बार इस बात नहीं, नहीं सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना पहले। जो विधायक और सांसद की बात कर रही है उनको संगठन ए भी फॉर्म देता है, ए भी फॉर्म से चुने जाते हैं, वो संगठन के उस कोर कमेटी में नहीं होते हैं, उनको रख लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन उस कोर कमेटी में नहीं होते हैं। संगठन के जो हमारा शिवसेना संगठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रीय प्रमुख के पास है। और माननीय बाला साहब ने ठाकरे ने एक बात और कही थी, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उन्होंने कहा इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा जो परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से वो कार्य करेगा। ये वीडियो हो आप देख लीजिए, वीडियो ये भी है, ये उनकी बातचीत का वीडियो, और किसी ने उनका इंटरव्यू लिया था प्रदीप जी, आपको केवल वही वीडियो याद है, माननीय बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाने की भी बात नहीं की थी, तो क्या उस बात पर आप अमल नहीं करेंगे क्या? तो कमला भाई नहीं कमला भाई, वीडियो का क्यों हवाला दिया जा रहा है? माननीय बाला जी ने तो कांग्रेस और एनसीपी को वो सारी बातें भूल गए संजय जी, वो सारी बातें भूल गए संजय जी, बाला साहब ठाकरे की बस वो याद है जो आपके पक्ष में है। कमला भाई बीजेपी को भी कहते थे, एक कमला भाई इधर आ, एक कमला भाई किसको कहते थे याद है आपको? कमला भाई कौन है? कमला भाई भारतीय जनता पार्टी थी, उसे कमला भाई कहकर बाला साहब बुलाते थे, ये भी याद कर लीजिए ना। वो एक याद है कि नहीं आपको? कमला भाई अपने कमला भाई याद है आपको? तभी तो बीजेपी के साथ गठबंधन ही था ना आप लोगों का, 30 साल गठबंधन में रहे हैं। पाटिल जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, जब 30 साल गठबंधन शिवसेना इनके साथ रही है तो परिवारवाद याद नहीं था? 2.5 साल जब हम अलग हो गए तब इनको परिवारवाद याद आने लगा, और अकाली दल परिवार तो कह रहे हम तो शुरुआत से बोल रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे सुनने को तैयार नहीं थे, जब पति हो गए तो हमने अलग होने का फैसला लिया, लेकिन आप अपने नहीं, अब आप सब कुछ दूसरों पे थोप दो सर, ये तो आप स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं थी, इसलिए ने कहा है कि शिंदे जी जो है वो खुद ऑफर लेके आए थे, कांग्रेस से गठबंधन करने लिया, तो उन्होंने कहा साहब एनसीपी पर हमारे सदर पवार जी से बात करिए, अगर वो तैयार होंगे तो मैं तैयार हूँ। चलिए सर, ये तो निर्वाचन आयोग को तय करने दीजिए कि कौन सी असली शिवसेना है और चुनाव चिन्ह तीर किसके पास जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.